आर होम गाइज, अभी घर जाएंगे जब पहली बार देखेंगे ऐसे। ओके सो रेडी फॉर क्लासेज एंड अभी पहले लंच एंड देन क्लासेज, लेट्स गो। हीट अप हो रखा है पूरे गोवा में बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है पूरे। चलो मैं इसमें जाते हैं, अभी लंच करते हैं अंदर सेट। A few moments later. तो हाय गाइस, अभी बच चुके 3 एंड लय में कुछ था नहीं इतना, थोड़ी देर से हमने पढ़ाया था एंड उसके बाद में आ गए, क्योंकि देख ही सकते हो 2:59 दो बजे तो हम गए ही थे, एक घंटे में आ गए वापस एंड इस बार लय नहीं थी तो जैसे तभी आराम करेंगे थोड़ी देर एंड देन बाकी काम स्टार्ट करते हैं। अगर ये यहाँ मेस भी छोड़ा देना, लेकिन ये हम ये दोनों से सेम है। तो है गाइस वो सब एंड अभी बच चुके हैं रात के 2 एंड अभी तक मैं तो रिकॉर्ड नहीं किया था कुछ क्योंकि पढ़ाई चल रही थी, कल ग्रेडेड लैब होने वाली है एंड नेक्स्ट वीक वापस ग्रेडेड लैब है, तो अभी थोड़ा पढ़ाई का माहौल चल रहा है, फिर 2 वीक बाद एंड सेम भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो बस ग्रेडेड लैब के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड अभी तक क्या क्या गया वो बता देता हूँ। देखो ग्रेडेड लैब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, साथ में अभी क्या है कि हॉस्टल काउंसिल की भी मर्चेंडाइज आने वाली है IIT गोवा की, मैं कुछ क्लिप्स डालूंगा साइड में देखना, कुछ डिजाइन में चेंज हो रहे हैं एंड अदर थिंग, तो वो भी 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगी एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं साथ में एंड अपने कॉलेज स्पोर्ट्स कम्युनिटी में अभी जस्ट वैलोरेंट का टूर्नामेंट भी खत्म हुआ, विनर्स वगैरह मैं दिखाता हूँ अभी आपको एंड वो विकास ने अच्छे से मैनेज कर लिया था जो पार वैलोरेंट रिप्रेजेंटेटिव है। सो दैट्स इट, ये रहा अपना सेटअप पूरा फैला पड़ा है, बट फैला वो मैं देखो टाइम देखो 1:35 एंड इधर फीफा चल रहा था जो मैंने पॉज कर दिया था, इसको रिज्यूम कर दिया था, आकर देख रहा था फीफा बोल रहा हूँ वर्ल्ड कप कोई तो मैच चल रहा है, फुटबॉल का मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखता क्योंकि एंड लस वो। चलो कंटिन्यू करते हैं, अभी थोड़ा बहुत पढ़ना है और बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो असाइनमेंट्स वगैरह थे उनके पढ़ लिया हूँ, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं आएगा। यही देखो असाइनमेंट वन टू दोनों ख़त्म क्योंकि वो कनेक्टेड थे दूसरे से, तो ये रहा ये दोनों डन, तो बाकी चीज़ें देखते लेट्स गो। तो अभी जस्ट 2 वीडियो एडिट की एंड पढ़ाई में ख़त्म कर दिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो लास्ट ब्लॉग में पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, फिर सुबह जाकर लैब कैंसिल हो गई थी, तो A few minutes later. Hi guys, अभी जस्ट जा रहा हूँ सोने एंड अभी तक क्विज की पढ़ाई खत्म की, 2 वीडियो एडिट की एंड उसके बाद में जस्ट वीडियो अपलोड हो रही थी, तो इतने तक मैं कुछ व्लॉग्स वगैरह एंड हाईलाइट देख लेने लग गया जो रिसेंट टूर्नामेंट गए BGMI के उनके एंड अभी जैसे आ रहा हूँ सोने, 5 बज चुके हैं, तो चलो चलता हूँ सोते, मिलते हैं सुबह, बाय गाइस। The next morning. So, hello, good morning. And अभी जैसे उठा एंड अभी जैसे सबसे पहले तो मैं ये पेजेस पढ़ रहा हूँ क्योंकि आज असाइनमेंट है वो इन एंड सबमिट करना है, तो उसके 10 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, तो मैं इसमें पढ़ रहा हूँ।
तो अभी जस्ट ऊपर आया था पंच करने के लिए, ये आज देना है हमें, इन्हें हैंड असाइनमेंट हार्ड कॉपी देनी थी, तो जब ये देखो हमारी हैंड रिटन नोट्स, नोट्स बोले तो असाइनमेंट, एंड अभी जस्ट नहाने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, जस्ट इट। A few moments later. Hi guys, अभी जस्ट नहा के आया एंड अभी लंच के लिए जा रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं सीधा क्लास में निकलूँगा, लंच करने के बाद में मैं ऐसे ही तो बैग पैक कर लेता हूँ, एक बार अपना बैग एंड बैग पैक करके निकलते हैं। एंड आज क्विज भी है, सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी की एक स्मॉल क्विज होगी, एंड उसके नोट्स भी सबमिट करने हैं, सॉरी असाइनमेंट सबमिट करना है जो हार्ड कॉपी में सुबह दिखाया हूँगा। बट किधर गए नोट्स भाई? अच्छा बैग में रख दिए थे पहले ही, ये रहे हार्ड कॉपी असाइनमेंट की, वो सबमिट करनी है एंड देन क्विज देनी है, एंड उसके बाद में लैब एग्जाम भी है वो भी देनी है। सो दैट्स इट। तब ले जाने का सोच रहा था बट 18% चार्ज है, तो मेरे को ऐसा मैं इसको एक काम करता हूँ, चार्ज लगा के छोड़ देता हूँ। सब एंड अभी जस्ट लैब एग्जाम दे क्या है एंड अभी बाकी चीज़ें करते हैं, हॉस्टल में पहुंच गए। पहले लैब एग्जाम बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, मतलब बोली तो एकदम फंस सा गया, 3 घंटे लगे रहे एंड उसके बाद में पार्शियली पास हुए थे सारे, मतलब अभी जस्ट नोटिस किया ये क्या हो रखा है, अभी इतनी सारी चीज़ें कैसे है? ओ भाई ये पता नहीं किधर से तो आ रही हैं, एक मिनट ये तो गड्ढा है, ये देखो यहाँ से निकल रही हैं ये, एंड ये पता नहीं फिर किधर से आ रही हैं, देख A few moments later. Wow! Beautiful!